करदम बोल लो। नमस्कार, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है हिंदी का विकास और उसके विभिन्न बोलियां। भारत में भाषा की दृष्टि से दो भाषा परिवार पाए जाते हैं, एक है आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार की जो सबसे पहली और सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है वो थी संस्कृत। संस्कृत बहुत प्रचलित भाषा रही है। संस्कृत की जो काल अवधि रही है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक रही है। इस काल अवधि में संस्कृत के दो रूप प्रचलित थे, एक था वैदिक संस्कृत और एक था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों का पढ़ना पढ़ाना हुआ करता था और वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसके साथ साथ लौकिक संस्कृत के जो ग्रंथ प्रचलित थे वो थे रामायण और महाभारत। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत योगात्मक भाषा थी। शब्दों के धातु रूप उस समय सुरक्षित थे और शब्द भंडार की दृष्टि से इस समय पर तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती चली गई और भाषा ने अपना रूप परिवर्तित किया तो संस्कृत के बाद जिस भाषा ने जन्म लिया वो भाषा थी पाली। पाली की काल अवधि रही है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय रहा है और यह भाषा मागधी भाषा भी कहलाती है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। पाली के बाद भाषा का जो नया रूप निर्मित हुआ, जो नई भाषा आई पाली के बाद, वो भाषा थी प्राकृत भाषा। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा है और इस काल अवधि में प्राकृत के 5 रूप प्रचलित थे, एक पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी और शौरसैनी। ये 5ों ही रूप प्राकृत के अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते थे और प्राकृत के विषय में ये भी कहा जा सकता है कि संस्कृत के जितने नाटक होते थे उनमें जो अधम पात्र होते थे वे प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। इसके साथ साथ प्राकृत की विशेषता ये थी कि ये आम बोलचाल के अधिक निकट भाषा थी। प्राकृत के अलग अलग रूपों से आगे जब भाषा बढ़ी तो उन्हीं रूपों से अपभ्रंश का निर्माण हुआ। अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है और अपभ्रंश को अवहट, अवहत नामों से भी जाना जाता है। हिंदी का अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास होता है। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी सबसे प्रचलित भाषा है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेके अब तक इसका समय चल रहा है। तो अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से हिंदी की अलग अलग उपभाषाएँ निकली हैं और जिनसे आगे बढ़कर हिंदी की बहुत सारी बोलियों का जन्म हुआ है जो आज भी अस्तित्व में हैं और प्रयोग में आती हैं। ये कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं और किस किस तरीके से हिंदी की उपभाषाओं का निर्माण हुआ है और अलग अलग बोलियाँ इनसे विकसित हुई हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ। अगर कोई विद्यार्थी मेरा ये लेक्चर सुनते समय अपने हाथ में कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर बैठा हुआ है तो वो चाहे तो अपने कॉपी में इसे नोट भी कर सकते हैं कि अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से हिंदी की अलग अलग उपभाषाओं का विकास हुआ है और उन्हीं उपभाषाओं से आज हिंदी की विभिन्न बोलियों का भी जन्म हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगी शौरसैनी की। शौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की दो उपभाषाएँ निर्मित हुई हैं, एक पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहली है हरियाणवी, दूसरी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और इसके साथ साथ खड़ी बोली भी इसी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी आती है। इसके बाद अपभ्रंश का एक और रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे पूर्वी हिंदी उपभाषा का निर्माण हुआ है और इसके अंतर्गत 3 बोलियां पाई जाती हैं, एक है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। इसके बाद मागधी अपभ्रंश आती है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ है जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही 3 बोलियां आती हैं।
इसके बाद खस अपभ्रंश की मैं बात करूंगी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी का निर्माण हुआ है और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली तीन बोलियों का विकास हुआ है। इन सारी बोलियों का विकास हिंदी की अलग अलग उपभाषाओं से अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है जो आज भी प्रचलित रहा है। तो अपभ्रंश से हिंदी के अलग अलग उपभाषाएं और उन उपभाषाओं से आज प्रचलित बोलियों का निर्माण हुआ है। तो ये सारी बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में भारत में बोली जाती हैं, आज भी बोली जाती हैं और ये पूरा का पूरा हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण है। इस विषय को विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, छात्र इसमें बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं। मैंने इस विषय को आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको परीक्षा में इससे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।